हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। एक न्यू वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूं और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी डाइट्स हैं प्लस एक्सरसाइजेस हैं जिसको स्कूल स्टूडेंट्स फॉलो करके एक अच्छी फिजिक बना सकते हैं, वो भी बिना किसी सप्लीमेंट के। आपने बहुत सारी वीडियोज में देखा होगा कि लोगों की कुछ ही टाइम में बहुत अच्छी बॉडी बन जाती है। इसका मेन रीजन है उनके जेनेटिक्स प्लस एक अच्छी डाइट प्लान का होना। आज की इस वीडियो में हम जो आपको फुल डे डाइट प्लान बताने वाले हैं, इससे स्टूडेंट्स को वेट मैनेजमेंट में काफी हेल्प मिलेगी। कहने का मतलब है कि अगर आप वीडियो में बताई गई डाइट को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही कम समय में एक अच्छी बॉडी बना सकते हैं और साथ ही साथ फुल डे काफी एनर्जेटिक भी फील कर सकते हैं। तो आइए आपको वीडियो की तरफ लेकर चलता हूँ। हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपनी अच्छी बॉडी बनाने की शुरुआत कर रहे हैं या कह सकते हैं जिनको अभी कुछ ही टाइम हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने वीडियो को किस हिसाब से डिजाइन किया है। वीडियो में सबसे पहले मैंने फुल डे डाइट प्लान बताया है प्लस कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस बताई हैं जिनको स्टूडेंट्स फॉलो कर एक अच्छी फिजिक बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। फर्स्ट मील जो कि हमारी होगी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हमारा गुड इन प्रोटीन एज वेल एज गुड इन कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए जिससे कि हम फुल डे काफी एनर्जेटिक रहें। फर्स्ट मील में आपको बनाना है एक बनाना शेक, जिसको आप कैसे बनाएंगे आइए जान लेते हैं। एक हेल्दी बनाना शेक बनाने के लिए आपको चाहिए 200 ml ऑफ मिल्क, 2 or 3 बनानास, 4 to 5 एलमंड चाहिए यानी कि बादाम। बादाम आपको रॉ लेने हैं यानी कि भीगे हुए ना हो। 1 or 2 टेबल स्पून ऑफ पीनट बटर, 40 टू 50 ग्राम आप इन्हें ओट्स। मैंने इन सभी इंग्रेडिएंट्स को ऊपर स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर सकते हैं ताकि आगे फ्यूचर में वो आपको हेल्प करे। आपको इन सब को एक मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है और आपका एक हेल्थी और न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट रेडी है। सेकेंड मील जो होगी हमारी वो स्कूल टाइमिंग में यानी कि 11 से 12 बजे के बीच होगी, जिसमें आप लेंगे 2 ब्राउन ब्रेड्स प्लस 1 or 2 टेबल स्पून पीनट बटर। अगर आप नॉन वेज ले सकते हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी 2 होल एग्स की, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन मिलने वाला है। थर्ड मील जो होगी आपकी वो आप स्कूल से आके करोगे, उसमें आप वही ले सकते हो जो आपके घर में बना हो, यानी कि लंच में जो भी बना हो आप उसे कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन कोशिश करें आपको ऑयली फूड, जंक फूड अपनी डाइट में ऐड करने से बचें। फोर्थ मील आपको ठीक लंच से 2 से 2.5 घंटे बाद लेनी है, जिसमें आपको जरूरत पड़ेगी डेट्स की। फ्रेंड्स, डेट्स में विटामिन्स, मिनरल्स और आयरन की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है जो आपकी मसल बिल्ड होने में काफी हेल्प करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्कूल में कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, रनिंग, जंपिंग, रोप स्कीपिंग या जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप करते हैं तो उसमें भी वो आपको रिकवरी में काफी हेल्प करती है। आइए जान लेते हैं कि आपको डेट्स को कंज्यूम कैसे करना है। जिसको बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी अगेन 200 ml ऑफ मिल्क, 4 to 5 डेट्स यानी कि खजूर, 1 or 2 बनानास प्लस 5 कैश्यू यानी कि काजू। आपको सेम प्रोसेस वही फॉलो करना है जो मैंने अभी आपको बताया था। इन सभी चीजों को आपको मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। जब ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए उसके बाद आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट्स आपको बहुत गजब के मिलने वाले हैं। फिफ्थ मील होगा हमारा ठीक 3 घंटे बाद, जो कि होगा डिनर, जिसमें आपको वही कंज्यूम करना है जो आपके घर में बनाओ। लेकिन याद रखें ऑयली फूड ज्यादा कंज्यूम ना करें। ये तो रही हमारी फुल डे ऑफ ईटिंग जिसको स्टूडेंट्स फॉलो कर एक अच्छी बॉडी बना सकते हैं। साथ ही साथ आइए बात कर लेते हैं ऐसी कौन सी बेस्ट एक्सरसाइजेस हैं जो कि स्कूल टाइम में स्टूडेंट्स को फॉलो करनी चाहिए। आपको जो एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है उनको हम बोलते हैं बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, जैसे पुशअप्स, पुलअप्स, प्लैंक्स, स्क्वाट्स, जंपिंग। ये ऐसी कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिनको स्टूडेंट्स फॉलो कर काफी हेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका एम है प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग तो मेरा आपसे एक सजेशन है कि आप जो भी एक्सरसाइजेस को फॉलो करते हैं, जो भी एक्सरसाइजेस आप परफॉर्म कर रहे हैं, वो आप किसी ट्रेनर की ही सुपरविजन में परफॉर्म करें। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीजें जो आपको अवॉइड करनी है, जैसे ऑयली फूड्स, सॉल्टी फूड्स, जंक फूड्स, इन सभी चीजों को आप काफी कम क्वांटिटी में ही कंज्यूम करें। और साथ ही साथ मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आज के टाइम में मैंने देखा है कि बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स स्कूल टाइम में
स्मोकिंग, गुटखा, एल्कोहल वगैरह जैसी चीजों में पड़ जाते हैं, जिससे कि उनका आगे आने वाला पूरा फ्यूचर खराब हो जाता है और वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी पाते। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी चीजों को अवॉइड करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट करें, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप भी एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करें बिना किसी सप्लीमेंट यूज किए।